हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इन ग्राम। एक कार्बन एटम का ग्राम में मास निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई? तो वन मोल ऑफ कार्बन एटम का मास तो मालूम है ना, उसी से निकल जाएगा। तो कैसे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। मास ऑफ वन मोल कार्बन 12 एटम इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होता है? 12 ग्राम होता है, ठीक है। तो देयरफॉर मास ऑफ 1022 इंटू टू द पावर 23 12 कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। वन मोल कार्बन 12 का मास 12 ग्राम होता है, और वन मोल में इतना कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो अब एक कार्बन एटम का मास निकालना है कितना होगा, ठीक है। क्योंकि वन मोल के बदले हम ये लिख सकते हैं, वन मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 कार्बन एटम होता है, ठीक है। सो देयरफॉर मास ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। इसको आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, 12 को 6.022 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.99 आएगा लगभग, ठीक है। कितना आएगा? 1.99। और ये 10 पावर 23 नीचे ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। वन मोल कार्बन एटम मीन्स 12 ग्राम, तो वन मोल के बदले इतना एटम होता है, वन मोल में इतना एटम होता है, तो इतना एटम का भी मास 12 ग्राम ही हुआ, इसलिए एक एटम का मास इतना हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब है यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सब में नंबर ऑफ एटम पता करना है। तो पहला तो दे दिया कि 52 मोल से, पहला को हम पता करते हैं 52 मोल हीलियम कितना एटम होगा, इसमें ही पता करना है। 52 मोल है, वन मोल में कितना एटम होता है? वन मोल में होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23, वन मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम होता है। 52 मोल में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, ये हो जाएगा हमारा 52 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम, ठीक है। वन मोल में इतना एटम होता है, वन मोल में इतना एटम होता है, तो 52 मोल में कितना होगा? 52 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3.13 इंटू 10 टू द पावर 25 हीलियम एटम, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड में कह रहा है 52 U, U मतलब AMU, HE, ठीक है। तो 52 U दिया है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल मास दिया हुआ है 52 और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तब ना ये नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जब तक नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स पहले दिया हुआ था तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिए,
यहाँ पर 52 यू दिया हुआ है, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यू लिखे या एएमयू लिखे या ग्राम लिखे, बात एक ही है, यहाँ यू लिखा हुआ है तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। ये जो एक्चुअल मास दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, ठीक है। तो हीलियम का एक्चुअल मास दिया हुआ है हमारा 52 और इसको हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। इसलिए एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है? 4 होता है। तो 4 से डिवाइड किए, ये तो रूल जानते ही हो कि कभी भी नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, एक्चुअल मास दिया हुआ है तो उसको हम लोग एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं या मॉलिकुलर मास से। अगर एटॉमिक फॉर्म में दिया है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, अगर मॉलिकुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो मॉलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, या एटॉमिक फॉर्म में दिया हुआ है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है तो डिवाइड कर दिए, हो गया ये, ठीक है, क्लियर। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 13 मोल्स और 52 यू दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये जो है एक गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राम नहीं दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ठीक है ना, यू दिया हुआ है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन में हमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ग्राम में भी यही हो जाएगा, इसमें भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो जो 4 ग्राम होता है वो 1 मोल का मास होता है, ठीक है, और जो एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है वो तो एटम के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, पहले एक चीज़ बता देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 1 एटम ऑफ हीलियम इक्वल टू 4 यू लिखते हैं या 4 AMU लिखते हैं, 4U लिखेंगे या 4AMU लिखेंगे, यानी ये हो गया मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। 1 एटम ऑफ एच ई मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, मास ऑफ 1 हीलियम एटम इक्वल टू 4U और 4AMU, एक एटम का मास है ये 4U, तो इसमें डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा, क्योंकि हमको AMU में दिया गया है, U में दिया गया है, इसलिए नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे 4U, 4U हीलियम एटम इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। देयरफॉर 1U हीलियम एटम इक्वल टू 1/4 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो हमको दिया हुआ कितना है, 52U, तो यह हो जाएगा 1/4 इंटू 52 इक्वल टू 13 हीलियम एटम, ठीक है, ये हो गया 13 हीलियम एटम। इसको हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं 52U, क्या लिखेंगे, 52U हीलियम, 52U हीलियम एटम इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय एक एटम का मास इक्वल टू 13 हीलियम एटम, डायरेक्ट एक लाइन में भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब तीसरा है 52 ग्राम, वही यहाँ डिफरेंस बताने के लिए समझना है, 52
ग्राम हीलियम एटम, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक मास होता है वो 4 ग्राम होता है, ठीक है। ये याद रखना है, एक एटम का मास जो होता है 4 यूनिट होता है, और 1 मोल का मास होता है 4 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, मास ऑफ 1 हीलियम एटम इक्वल टू 4 AMU लिखो, या यू लिखो, जो लिखना हो, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इक्वल टू 4 ग्राम, ये याद रखना। एटॉमिक मास जो है 4 ग्राम है। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? 1 मोल के मास को बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोलार मास भी अगर लिखेंगे तो यही होगा, मोलार मास ऑफ हीलियम एटम इक्वल टू 4 ग्राम। तो ये डिफरेंस है, जरा याद रखना है, ठीक है ना। मास ऑफ 1 हीलियम एटम 4 AMU होगा या 4U होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है 4 ग्राम होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल, और जब यू में दिया हुआ होता है तो वो एटम वाइज दिया हुआ होता है, एक एटम का मास को हम लोग लिखते हैं उसमें, ठीक है। इतना याद रखना, ग्राम और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम है, तो 52 को हम लोग इसके एटॉमिक मास 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 52/4 मोल हीलियम एटम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 13 मोल हीलियम एटम। तो क्या हो जाएगा, 13 × 6.022 × 10⁻²³ हीलियम एटम, ठीक है। तो याद रखना है 52U और 52 ग्राम दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया। ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंस नजर आ जाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो दोनों सेम ही नजर आएगा, ठीक है। जैसा कि हमने शुरू किया, ध्यान नहीं दिया था तो दोनों सेम ही नजर आए, ठीक है। फिर अचानक समझ याद आए, नहीं दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 7.8286 × 10⁻²⁴ हीलियम एटम। तो तीनों ही केस में हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाल लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इस रिएक्शन के हिसाब से हमको करना है। CaCO3 प्लस 2HCl और कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इतना चीज बन रहा है, ठीक है। तो कहता है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये है हमारा, ये 1 मोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल, मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl एंड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर, इतना प्रोड्यूस करता है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कितना लिया गया है, तो कहता है कि HCl कितना लिया गया है, HCl लिया गया है 20, ये निकालना है कि रिएक्शन कितना होगा, ये निकालना है हमको कितना होगा। तो ये क्या होगा, ये दिया हुआ है 25 ml 0.75 m, इतना दी HCl लिया गया है,
कितना HCl लिया गया है, ये हमको निकालना है कि कितना ये खर्च होगा, इतना से कम्प्लीटली रिएक्ट करना, इतना HCl लिया गया, HCl कितना लिया गया 25 ml, HCl कितना लिया गया है 25 ml, और जो सॉल्यूशन लिया गया है HCl सॉल्यूशन उसका स्ट्रेंथ ये है, ठीक है। तो हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तभी ना पता कर पाएंगे। तो ये हो गया 25 ml इंटू 0.75 m, m क्या है मोलारिटी, ये हो गया 0.75 मोल पर लीटर, है ना, 0.75 पर लीटर, ठीक है। अब इसी को फिर आगे करेंगे तो 25 ml इंटू 0.75 मोल बाय 1000 ml, 1 लीटर के बदले 1000 ml लिख सकते हैं ना, 0.75 मोल पर लीटर, कैपिटल एम का मीनिंग है होता है मोलारिटी होता है, तो मोल पर लीटर होता है, एम के बदले मोल पर लीटर लिखा है, फिर इस लीटर के बदले हम लोग 1000 ml लिख दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमको मोल में आंसर देना है, इसको इसको कैंसिल करेंगे, मोल में आंसर आ जाएगा, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, व्हाट मास, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है मास में चाहिए, मतलब ग्राम में कैलकुलेशन चाहिए, इसको भी हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो होगा, ठीक है। तो इसलिए हम HCl के मात्रा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, HCl के मात्रा को कन्वर्ट कर, HCl कितना दिया हुआ है हमको, HCl दिया हुआ है इतना हमने लिया है, कितना लिया है HCl 25 ml 0.75 m, ये हमने HCl लिया है, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मोल पर लीटर में, ठीक है, फिर लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर दिया, अब ml ml कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल, अब मोल को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ ml ml कैंसिल हो गया। अब इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, 25 इंटू 0.75 इंटू, अब ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो HCl का मोलार मास कितना होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ना ग्राम में आएगा, ये तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, इस नंबर ऑफ मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसका मोलार मास लेंगे, किसी का भी ले लेंगे क्या, किसी का भी नहीं ले सकते हैं, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, HCl के लिए ना, तो HCl का हम मोलार मास लेंगे, किसका मास निकाल रहे हैं, HCl का मास निकाल रहे हैं ना, तो HCl का मास हम लोग निकालेंगे, तो HCl का मोलार मास जो है यहाँ पर दे देंगे, तो कितना है HCl का मोलार मास कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का वन, हाइड्रोजन का वन होगा, और क्लोरीन का कितना होगा 35.5, बाई 1000 हो गया ग्राम, इतना ग्राम HCl हमको मिलेगा, इतना ग्राम HCl है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको कट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 0.6844 ग्राम HCl। कितना ग्राम HCl है हमारे पास, इतना ग्राम HCl, इतना 25 ml 0.75 m HCl का मतलब हुआ 0.6844 ग्राम HCl, 25 ml 0.75 m का मतलब हो गया 0.6844 ग्राम HCl, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन होता है तो हम यहाँ भी लिख देते हैं HCl, हो गया, यहाँ भी लिख देते हैं HCl, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो HCl निकाल ले, HCl का मास निकल गया, अब इतना HCl से कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत पड़ेगा, ये वन मोल है, टू मोल से रिएक्ट कर रहा है, डबल है ना, डबल कर रहा है, तो निकालना है मास में, तो मोल से भी हम निकाल सकते थे, यहाँ से भी कैलकुलेट करते कितना मोल लगेगा, इसका जस्ट हाफ लगेगा, तो वहाँ भी कैलकुलेशन हो जाता है आराम से, हम ये नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी हो जाता है, हमारा यहीं से काम हो सकता था, ठीक है, यहाँ से भी काम हो सकता है, ठीक है।
यहाँ से निकालना उसको इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इसको काट दें तो कट जाएगा, ठीक है, इतना मोल हो जाएगा। तो ये हमारे नहीं काटते हैं, ऐसे रखते हैं, बाद में कटाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 25 × 0.75 / 1000 मोल एक्सीएल। इतना मोल एक्सीएल है हमारे पास, इतना मोल एक्सीएल है हमारे पास, उससे यहाँ रिएक्शन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, 2 मोल एक्सीएल रिएक्ट विथ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देयरफॉर 1 मोल एक्सीएल रिएक्ट विथ 1/2 मोल CaCO3, ठीक है। देयरफॉर कितना मोल मिल गया हमको, 25 × 0.75 / 1000 मोल HCl react with 1/2 × 25 × 0.75 / 1000 मोल CaCO3। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग कटा देते हैं ना, कट जाएगा आराम से, ठीक है। तो इससे हम इसको काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा 40, ठीक है। इसका उसकी तब हमको मिल गया 0.75 / 80 मोल CaCO3। अगर नंबर ऑफ मोल्स में आंसर देना है तो यहाँ भी रुक सकते हैं, इसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा आंसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और अगर हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसके मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर मोल में हमको आंसर चाहिए तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर ग्राम में एक आंसर चाहिए तो हमको एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा, इसके मोलार मास से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मोलार मास कितना है, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 3। ये सारे को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये इसका मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सारे को जब कैलकुलेट करोगे तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.9375 ग्राम, ये आंसर, ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो ये इसका क्या होगा, 40 + 12 + 16 × 3, इसका मतलब हुआ 100 ग्राम। इसका क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 35.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 ग्राम, 2 × 71, ठीक है। ये हो गया हमारा 36.5, ठीक है, 36 × 72 = 73 ग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास, ये हो गया HCl, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 73 ग्राम HCl, ठीक है। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, 73 ग्राम HCl रिएक्ट्स विथ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट,
therefore 1 gram HCl would react with 100 upon 73 gram calcium carbonate. ठीक है, therefore HCl कितना कैलकुलेट करके निकाले थे, इतना निकालो, तो 0.6844 ग्राम HCl कितना से रिएक्ट करेगा, 100 अपॉन 73 इंटू 0.6844 होगा। फाइनली कैलकुलेट करके कितना आएगा, 0.9375 ग्राम CaCO2। तो दो तरीके से हमने बता दिया आपको कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे सुविधाजनक लगे उस तरह से कर सकते हैं। इसका मोलार मास कैलकुलेट कर लिए, इसका भी कर लिए, है ना। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम से रिएक्ट करता है, यानी 73 ग्राम HCl 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो हमने HCl कैलकुलेट करके निकाला था इतना, तो इतना HCl कितने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, इतना ग्राम जो है HCl इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तो जो सुविधाजनक लगे उसी हिसाब से करना है। ओके, तो ये भी लास्ट क्वेश्चन के ही जैसा, क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करना है इस रिएक्शन के हिसाब से, मतलब HCl और MnO2 में रिएक्शन होगा तो क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन हो रहा है, क्लोरीन गैस यहाँ निकल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, HCl पता करना है। अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड 5 ग्राम यूज कर रहे हैं तो पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 4HCl प्लस MnO2 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl। ठीक है, हमको इसी दोनों में रिएक्शन लिखना है ना। तो ये हो गया हमारा 4 मोल और ये हो गया हमारा, अगर मोल के टर्म में कैलकुलेशन करना है इसी से करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 मोल। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मास करेंगे तो उसका भी अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 35.5 ग्राम, ये हो जाएगा 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 146 ग्राम हो जाएगा, 146 ग्राम HCl हो गया ही। ये 1 मोल है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंगनीज का 55 होता है, तो ये हो गया हमारा 55 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 ग्राम। ठीक है, तो हो गया 52 प्लस 32 ग्राम। ठीक है, ये हो गया 484 ग्राम MnO2। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल करेंगे तो इस दोनों को करेंगे। ठीक है, ये तो पिछले से ज़्यादा सिंपल है, इसमें क्या दिया हुआ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज दिया हुआ है। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको जो है पता करना है कितना HCl कितना लगेगा क्वेश्चन मार्क, और MnO2 दिया हुआ है 5 ग्राम, MnO2 दिया हुआ है 5 ग्राम। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन MnO2, MnO2 का मोलार मास कितना है 84 ग्राम। ठीक है, MnO2 का कितना है 84 ग्राम। ठीक है, देखना पड़ेगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, हाँ गड़बड़ हो चुका है, यहाँ 55 हमने यहाँ 52 लिख दिया है, 55 है तो 87 ग्राम। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है MnO2 को, ये हो जाएगा 5/87 मोल।
MnO2 5 ग्राम जो है 5/87 मोल है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो इसके हेल्प से करेंगे। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। 1 मोल MnO2 रिएक्ट्स विथ 4 मोल HCl, ठीक है। Therefore, हमारे पास कितना है MnO2 क्वेश्चन में दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ग्राम है ना, मतलब 5/87 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट विद 4 × 5/87 मोल HCl, इस तरीके से भी बन जाएगा, ठीक है। और इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसके मोलार मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 × 5/87 इंटू, इसका हो जाएगा, इसका मोलार मास कितना होता है, HCl का मोलार मास कितना होता है, 35.5 + 1 = 36.5। HCl का मोलार मास कितना होता है, 36.5, 1 + 35.5 ग्राम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली जो रिक्वायर्ड है वो आंसर आ जाएगा, ये होगा 8.39 ग्राम, 8.39 ग्राम HCl, ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो एक तरीका तो ये हो गया, इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट जो है ग्राम में ही ले लें, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसके अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे दूसरे तरीके से, कैसे बनाएंगे भाई, 87 ग्राम HCl रिएक्ट्स विथ 146 ग्राम HCl, 47 ग्राम MnO रिएक्ट्स विथ 146 ग्राम HCl, ठीक है, 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विथ 146 ग्राम HCl, देख रहे हैं एक इक्वेशन के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विथ 146 अपॉन 87 ग्राम HCl, देयरफॉर हमको कितना दिया गया क्वेश्चन में MnO2, 5 ग्राम दिया गया, तो हम 5 ग्राम MnO2 रिएक्ट विथ 146 अपॉन 87 इंटू 5, इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 8.39 ग्राम, 8.39 ग्राम HCl, यही आपका आंसर है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, वो आपके हिसाब से है, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।